क्लास 10 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व 4 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2x प्लस 3 वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0 कॉमा माइनस 3 अपॉन 2। तो सबसे पहले तो हम इसे लिख लेते हैं, गिवन जो है 4 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2x प्लस 3, सो इम्प्लाइज दैट इसमें अपॉन 1 लेके हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम एक्स हो गई, ये हो गया 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2x प्लस 3। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्रॉस आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट 4 माइनस 3x एंड 2x प्लस 3 इज equal to 5x and now we multiply first 4 से क्या करेंगे हम 2x को multiply करेंगे फिर 3 को, तो ये 4 2 जा 8x plus 12 और फिर 3x को 2x से तो minus 3 2 जा 6x square और फिर इसको again 3 से करेंगे तो ये आपका minus 9x is equal to 5x implies that जो इसमें हायर डिग्री है उसको पहले लिख लेते हैं, 6x स्क्वायर और 8x माइनस 9x तो ये हो जाएगा ओनली माइनस एक्स प्लस 12 माइनस 5x इज इक्वल टू 0, सो इम्प्लाइज दैट माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें कॉमन लेते हैं, माइनस 6 कॉमन है तो ये एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स होगा और ये माइनस 6 टू जो 12 इज इक्वल दैट, तो इस माइनस 6 को अगर हम राइट साइड भेजेंगे तो क्या 0 हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, तो ये 2 का अगर हम फैक्टर लेंगे तो 2 का टेबल से 2 वन जा 2 और 2 में अगर हम 1 माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो अब फर्स्ट 2 पार्ट में हम x कॉमन लेते हैं तो ये हो गया x प्लस 2 और इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आएगा, ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो एक्स इक्वल टू माइनस 2 और एक्स इक्वल टू 1, सो देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस 2 कॉमा 1 आंसर।